हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी शेफ शेफ कंचन। और आज हम इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि नोजल्स होती हैं, उनसे हम कैसे डिजाइन्स बना सकते हैं और कैसे हम उससे डिजाइनिंग बना के अपने केक को बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको अपनी फेवरेट नोजल से भी मिलवाऊंगी और मैं आपको से आपको कुछ डिजाइन सिखाऊंगी। आप देखेंगे कि कुछ एक ही नोजल से काफी सारे डिजाइन निकल आते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप एक नोजल से कितने तरह के डिजाइन बना पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं अपनी जो फेवरेट नोजल है वो भी आपको दिखाऊंगी, उनसे हम व्हिप क्रीम से डिजाइन बनाना भी सीखेंगे। एक ही नोजल से आप कितने तरह के डिजाइन बना सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हमें लेना है पाइपिंग बैग। मैं यहाँ डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग यूज कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरी फेवरेट नोजल है। इसका नंबर है नूर एन वन। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फेवरेट नोजल है। आज मैं इसी एक नोजल से आपको काफी तरह के डिजाइन बनाकर दिखाऊंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर लिया है और आपने जब भी पाइपिंग बैग फिल करना है, ओवरफिल नहीं करना है। अगर आपने ओवरफिल किया तो आप उसको हैंडल कर उसको जो उसकी उसको पकड़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है और फिर आप अच्छे से डिजाइंस नहीं बना सकते। आप इस तरीके से भी ड्रॉप्स बना सकते हैं। आपने देखा कितनी इजी है, सिर्फ आपने स्ट्रेट रखना है हाथ और बस। उसके बाद आप इस तरीके से आपको उठाना है और रखना है। आपने स्ट्रेट रखना है हाथ और इसके बाद इस तरीके से। उसके बाद आप रोजेट्स भी बना सकते हो इस तरीके से। ये पाइपिंग बैग में कहीं कहीं पे जो एयर होती है उसको निकालना जरूरी होता है, अदरवाइज वो आपको दिखे जा सकते हो। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से बनाया है और आप चाहो तो इसको इस शेप में भी इसको कर सकते हैं। तो दो अलग तरीके, एक ही नोजल से आप दो तरह के रोजेस बना सकते हो। एक तो इस तरह से आपने देखा, दो तरीके से आप रोजेस बना सकते हैं। इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने दो अलग अलग एक ही नोजल से दो तरह के डिजाइन बना दिए। और आप चाहें तो इस तरीके से का रफल भी बना सकते हो। इसके बाद आप इस तरीके का बॉर्डर भी आप बना सकते हैं। फेवरेट नोजल दी क्योंकि इससे हम बहुत तरह के डिजाइन्स बना सकते हैं। वैसे तो हर एक जो नोजल्स होती है उससे काफी डिजाइन्स आप निकाल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप अलग अलग नोजल से काफी सारे डिजाइन जो है क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड से।